कोई चीज ऐसी है जो डंडे से नहीं होती, नहीं होती, प्रेरणा देने से होती। आपके पापा जी ने जब नौकरी अच्छी खासी छोड़ छाड़ के, पालिका की नौकरी छोड़ छाड़ के इस तरफ आने का जब फैसला लिया, इट्स लाइक अ टर्निंग पॉइंट। सो व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन क्या था भैया? अजीब लगता है, यहाँ हम सब कुछ कर सकते इस मार्ग के द्वारा, यहाँ ऊपर वाले की गुलामी, ऊपर वाला, हाँ, वहाँ किसकी गुलामी थी? सरकार की गुलामी। हम भदोही जनपद के पूरे भान ग्राम के निवासी हैं। मैं 1982 में नगर पालिका की नौकरी किया जो पीसीएस पोस्ट होती है। 40 साल नौकरी करने के बाद मैंने तमाम प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं समाज में देखा। युवा पीढ़ी धर्म मार्ग को छोड़ रही है, बिगड़ रही है। सनातन धर्म की रक्षा, युवा पीढ़ी की सुरक्षा, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए मन व्यथित हो गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए मैंने जो है मन बनाया कि इस मार्ग के द्वारा मैं इनको लाइन पे ला सकता हूँ, सनातन धर्म की रक्षा कर सकता हूँ अध्यात्म के रास्ते पे। जी जी जी, जो चीज डंडे से नहीं हल हो पा रही है, सिस्टम से नहीं हो पा रही है, हमारा नागरिक समाज चलता है सिस्टम से, तंत्र से नहीं। कोई चीज ऐसी है जो डंडे से नहीं होती, नहीं होती, प्रेरणा देने से होती है। बिना किसे होती है? प्रेरणा देने से, प्रेरणा देने से, प्रेरित करने से। अच्छा, प्रेरणा देने से। हम आपको 10 बातें कहेंगे, हमारी 2 बातें तो आप आत्मसात करोगे ना। आज 2 बातें मानोगे मेरी, कल हो सकता है मेरी 4 बातें मानो, परसों 6 बातें मानो, आने वाले भविष्य में आप 10 बातें मेरी स्वीकार कर लो। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं आपको प्रेरणा दूंगा, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती किसी को लाइन पे नहीं ला जा सकता, चाहे वो पशु हो चाहे आदमी। प्रेरित करके उनके मनोभावों को बदलने के बाद ही उनको लाइन पे लाया जा सकता है। नौकरी छोड़ने का, चूंकि जब आदमी एक प्रोफेशनल जीवन में होता है, नौकरी छोड़ने का इतना सरल फैसला नहीं होता है, उस समय किस किस तरह की चीजें आपके दिमाग में चल रही थी? बस यही जो बताया मैंने आप। अच्छा, युवा पीढ़ी, सनातन धर्म। और आपके घर वालों के दिमाग में क्या चल रहा था? हमारे घर वालों के दिमाग में सही चल रहा था, वो पक्ष में थे। हाँ हाँ, हमारा घर एकदम सुखी और संपन्न है, स्वस्थ है, हमारे बेटी भी हमारे साथ हैं। अच्छा, हमारे बेटे भी साथ। वो तो गुलामी ही थी, यहाँ हम सब कुछ कर सकते इस मार्ग के द्वारा, यहाँ ऊपर वाले की गुलामी, ऊपर वाला, हाँ, वहाँ किसकी गुलामी थी? सरकार की गुलामी। वहाँ सरकार की गुलामी थी, सिस्टम की गुलामी थी, और यहाँ ऊपर वाले मालिक की गुलामी है जो पूरे दुनिया को चला रहा है। आप कितने साल से सक्रिय तौर पर धर्म, अध्यात्म और भक्तिभाव की ओर है? मन तो मेरा 1999 से था। अच्छा, लेकिन पारिवारिक व्यवस्थाओं में बिजी होने के कारण कुछ हमारे दायित्व थे, परिवार में बच्चे हैं, परिवार है, उनके दायित्व थे, इसलिए उनके दायित्वों को, अपने दायित्वों को पूरा करने के बाद हम 1 साल से पूर्णतः संन्यास रूप में आ गए। काशी और प्रयाग के बीच में कोई धर्म स्थान नहीं था। बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने का या जाने का वहाँ कोई मार्ग नहीं था, जहाँ हमारी युवा पीढ़ी जाकर 10 मिनट सत्संग कर सके, धर्म धर्म का लाभ ले सके। मथुरा, हरिद्वार, काशी, बनारस, यह धर्म का सागर है। तो मेरे मन में आया, जहाँ धर्म का तालाब भी नहीं है, वहाँ मैं एक धर्म नगरी की स्थापना करूँ। इसको सोच करके हमने हडिया और काशी और प्रयाग के मध्य में एक कस्बा हडिया है, उससे 1 किलोमीटर दूर जाकर मैंने ब्रह्मर्षि आश्रम की स्थापना किया। उस आश्रम के माध्यम से मैंने धर्म का प्रचार शुरू करना चालू किया। आज मैं यहाँ बैठा हूँ उसी उद्देश्य को लेकर। अच्छा बाबा, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको कभी इस चीज़ का मलाल महसूस होता है कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की, इतनी सारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की, और उसके बाद नौकरियों को करके एक मतलब ठीक ठाक पोर्टफोलियो बना लिया अपना, तो वो पोर्टफोलियो बिल्कुल धता साबित हो गया? अभी मलाल नहीं रहा मुझे। आपके पापा जी ने जब नौकरी अच्छी खासी छोड़ छाड़ के, पालिका की नौकरी छोड़ छाड़ के इस तरफ आने का जब फैसला लिया, इट्स लाइक अ टर्निंग पॉइंट। सो व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन क्या था भैया? अजीब लगता है, पर फिर जब उद्देश्य पता चलता है तो सब समर्थन करने को तैयार रहते हैं। कितना समय लगा था अपने आप को समझाने में? आपको थोड़ा समय लगा, कुछ समय लगा। अच्छा, उलझने में वही विरोध भी किया गया, लेकिन फिर जब सही मायने में समझा गया चीज़ों को,
लगा कि ठीक है, अच्छा काम है, सब समाज की बात की जाए, धर्म की बात की जाए तो ठीक है, जो उद्देश्य होता है संतों का अगर वो पूर्ति उसकी हो रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे थे हमारे पूर्व सीओ वाले बाबा। आपको इन बाबा की कहानी, इन बाबा का सफ़र, क्योंकि मैंने तो अपने अब तक के 25-26 वसंतों में इस तरह के बाबा से मुलाकात नहीं की थी। आज कोतवाल भी मिले, इंजीनियर भी मिले, सबसे मिलवा रहे हैं, खरगोश भी मिले, कोतवाल बाबा सबसे मिलवा रहे हैं, इंजीनियर बाबा, हाँ, सेटिंग 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 और बैटिंग इन्होंने ही बिड़ाई है, और सेटिंग बैटिंग और सेटिंग इन्होंने ही बिड़ाई है। छक्का छक्का तुम मार रहे हो। ऐसा था सीओ साहब वाले हमारे बाबा का नाम, कोई किसी ने टैग नहीं दिया, हम आपको देके जा रहे हैं। सीओ बाबा आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।